हेलो दोस्तों, ये प्लान 23 फीट बाई 27 फीट के हैं। तो दोस्तों चलिए इसके डिटेल्स को आपके साथ हम शेयर करते हैं। दोस्तों हम यहाँ से एंटर करते हैं, आते हैं हॉल में यानी डाइनिंग को, डाइनिंग और ड्राइंग दोनों कम्बाइंड है यहाँ पे दोस्तों। तो इसका साइज देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इस वाल का डिस्टेंस 11 फीट 3 इंच बाई 19 फीट 9 इंच का दोस्तों। ये 19 फीट 9 इंच इस वाल तक के डिस्टेंस होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 11 फीट 3 इंच बाई 19 फीट 9 इंच के हैं दोस्तों। एक यहाँ पे बड़ा सा हॉल है जो कि डाइनिंग और ड्राइंग दोनों कंबाइंड है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो इसमें एक फैब्रिकेटेड वाल लगा के इसको डाइनिंग रूम को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे इस बेडरूम में, जिसका साइज दोस्तों देख सकते हैं 10 फीट 6 इंची। इस वाल से डिस्टेंस और इस वाल से डिस्टेंस 10 फीट 6 इंची है और इस वाल से इस वाल के डिस्टेंस 9 फीट 6 इंच के हैं दोस्तों। दोस्तों इसके साइड में ही आते हैं, यहाँ पे स्टेयर दिया गया है। स्टेयर का अप एंड डायरेक्शन यहाँ से है दोस्तों। दोस्तों इसका एक फ्लैट बाथ जो है दोस्तों वो 3 फीट के हैं और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 4 इंच का गैप है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ पे आपको बताते हैं दोस्तों, इसके स्टेयर के जो है वो ट्रेड है जो कि ये वाली होती है ट्रेड, जिसका साइज दोस्तों 10 इंच के रखे गए। और राइजर जो कि ये खड़ा वाला जो होता है दोस्तों, वर्टिकल लाइन जो ये होता है राइजर, जिसका साइज दोस्तों यहाँ पे 6 इंच का रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक राइजर है दोस्तों। जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर इसको जो है इस इधर साइड इस साइड का जो है इसको 6 इंच ऊपर उठाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी एक राइजर के तौर पर यहाँ पे रखा गया है, ये लाइन जो दिख रहा है सब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आते हैं, इस बेडरूम में का साइज देख सकते हैं दोस्तों, ये है 10 फीट 6 इंच का, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट 6 इंची और ये साइज जो है यहाँ पे 9 फीट 6 इंच का है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे आप WC और बाथ दोनों अटैच हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका साइज 3 फीट 10 इंच के हैं और ये साइज जो है दोस्तों वो 6 फीट के हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किचन, जिसका साइज दोस्तों 7 फीट ये वाली है डिस्टेंस और ये 6 फीट ये वाली डिस्टेंस है दोस्तों। दोस्तों आप ये जो इसका जो ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस दोस्तों वो 1 फीट 6 इंच का रखा गया है। बाकी डिटेल्स दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे प्लिंथ वाल जो है, जिसको हम लोग कुर्सी भी बोलते हैं, उसका थिकनेस जो है वो 10 इंच का है और बाकी ये सभी वाल जो है सुपर स्ट्रक्चर यानी ऊपर कुर्सी के ऊपर के सभी वाल है दोस्तों ये, जिसका साइज 5 इंच का रखा गया है। बाकी आप डोर, विंडो और वेंटिलेटर का साइज यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ एक और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह सीलिंग हाइट जो होगा दोस्तों, जो फर्श से सीलिंग छत के अंदर में जो दोस्तों जो साइज है दोस्तों वहाँ पे वो 10 फीट 6 इंच का रखा गया है सीलिंग हाइट दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं